नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, काफ़ी कुछ पढ़ा है अपने बीएससी के सिलेबस में, एमएससी के सिलेबस में, आपने इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी है ना आप लोगों ने एप्लीकेशंस, कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्रिएट करके हम लोग प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वी कैन डेवलप द प्लांट्स अगेंस्ट द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, वो काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस आपने पढ़ी है। लेकिन जब बात आती है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं उनको अभी भी ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, बीटी कॉटन का एग्जांपल आपके सामने है कि बीटी कॉटन जरूर ग्राउंड लेवल पे आया है, किसान उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ईटेबल प्लांट्स की बात आती है, देखिए कॉटन को कोई खाता नहीं है, कॉटन इज़ नॉट ए ईटेबल प्लांट, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब ईटेबल प्लांट्स की बात आती है जिसको खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उनके जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बने हुए हैं उनको कब अप्रूवल मिलेगा। तो एप्लीकेशन जब हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में तो हमें लगता है कि क्यों एक जो ग्रुप है वो उसके अगेंस्ट है, एक ऐसा ग्रुप है जो उसके अगेंस्ट है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अगेंस्ट है, एक ग्रुप ऐसा है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को फेवर करता है। तो हम दोनों ही ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनके व्यूज़ हैं जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को अपोज करते हैं, और एक ग्रुप वो है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को सपोर्ट करता है। देखिए सपोर्ट करने की बात जहाँ पर है, आप सपोर्ट करने में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन है, उसमें हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि बैसिलस थुरेंजिनेंसिस से जीन निकाल के कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, और ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट्स बन गए जिसके ऊपर किसी भी तरह का पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं हो रहा, वॉर्म्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा। क्राई 1A जीन उसके अंदर इंसर्ट किया गया, बीटी जीन इंसर्ट किया गया, और बीटी कॉटन बनाए गए। एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो सपोर्ट की जहाँ तक बात आती है, आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि इनकी एप्लीकेशंस होती है, तो क्यों ना एक ग्रुप उसको सपोर्ट करता है। तो देखिए सपोर्ट करने की जहाँ तक बात है, हम दोनों व्यूज़ को समझने से पहले हम लोग ये पता करते हैं कि बनते कैसे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, डेवलप कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट, ओके, कोई भी प्लांट है, इसको आपको मॉडिफाइड करना है, जेनेटिक मॉडिफाइड करना है, यानी आप इसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना चाहते हैं, आप इसका ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि इस प्लांट में तो करोड़ों सेल्स हैं, लाखों सेल्स हैं, सबके अंदर तो जीन नहीं डालोगे ना, आप क्या करते हैं एक सेल आइसोलेट करते हैं, इस प्लांट में से एक सिंगल सेल आइसोलेट करते हैं, और वो सिंगल सेल में अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं, और वो जीन कोई भी हो सकता है, वो जीन बैक्टीरिया का हो सकता है, वो एनिमल का हो सकता है, या दूसरे प्लांट का हो सकता है, आप इस सिंगल सेल में इंसर्ट करते हैं, और फिर जब इस सिंगल सेल में इंसर्ट हो जाता है आपका सक्सेसफुली वो इंटीग्रेट हो जाता है जीन, तो आप इस ये जो सेल है, नाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल एंड दिस ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नाउ कल्चर्ड ऑन टू द मीडिया के ऊपर, न्यूट्रिएंट मीडिया पे उसको कल्चर किया जाता है, और इससे जो भी प्लांट बनेगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। तो याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक टिश्यू कल्चर मेथड होना चाहिए, विदाउट इन विट्रो प्रोपोगेशन मेथड यदि आपके पास नहीं है उस प्लांट का, तो यू कैन नेवर डेवलप एनी ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का ये है कि आप किसी भी ओरिजिन को, चाहे बैक्टीरिया का जीन, एनिमल का जीन, दूसरे प्लांट का जीन डाल सकते हैं। यदि आप बैक्टीरिया का जीन डाल रहे हैं, जैसे बीटी जीन डाल रहे हैं, तो आपको बैक्टीरिया का जो जीन है उसमें बैक्टीरियल प्रमोटर है, प्रमोटर किसका है, बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा प्रमोटर को, आपको प्लांट प्रमोटर लगाने पड़ेंगे, आपको हो सकता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर लगाने पड़े, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया का जो प्रमोटर होगा वो काम नहीं करेगा, बिकॉज इट विल नेवर बी आइडेंटिफाइड बाय द प्लांट रेप्लिकेटिंग सिस्टम एज वेल एज प्लांट ट्रांसक्रिप्टिंग सिस्टम, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो चुका है कि हाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर क्रिएटेड, बट क्वेश्चन ये है कि अपोज जो कर रहे हैं वो क्यों करते हैं अपोज। अपोज करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि वो ये कहते हैं, एक ग्रुप ये कहता है कि नेचर के खिलाफ है, किसी भी जीन को कहीं पर भी ट्रांसफर करना नेचर के खिलाफ है, वी कैन नॉट प्ले विद द नेचर, हम प्रकृति के साथ नहीं खेल सकते। क्या ये एथिकल है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्या ये कहते हैं कि किसी भी जीन का अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करना, नेचर के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि अनरिलेटेड जीन के अंदर, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में जीन का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता।
नेचर में जो जीन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा सेम स्पीसीज में ही होता है और वो रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है। बैक्टीरिया का प्लांट में, एनिमल का प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो उनके अकॉर्डिंगली इस तरीके से हमने डेवलप कर लिए टूल्स, हमने टूल्स डेवलप कर लिए जीन ट्रांसफर के। हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है, हमारे पास पार्टिकल गन मेथड है, हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन है, हमारे पास केमिकल मेथड्स है। वी हैव ऑल मैनी मेथड्स फॉर जीन ट्रांसफर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं का भी जीन कहीं पर भी डाल दें। ये एक ग्रुप कहता है कि ये नेचर के खिलाफ है, क्योंकि देखिए प्रकृति के अंदर आप यदि ह्यूमन जीनोम के इवोल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे उसका विकास हुआ, कैसे डेवलप हुआ ह्यूमन जीनोम, आज हमारे जीनोम में लगभग 30,000 जीन्स हैं। कितने जीन्स हैं? 30,000 जीन्स हैं। और 30,000 जो जीन्स हैं वो एक दिन में नहीं बने, लाखों साल लगते हैं एक एक जीन को इंसर्ट होने में और डिलीट होने में। हमारे हम कहते हैं कि हम मंकी की जो स्पीसीज थी उससे हमारा ओरिजिन हुआ, तो एक दिन के अंदर जीन का डिलीशन और एडिशन नहीं हो गया कि एक दिन के अंदर ही हम लोग होमो सेपियंस बन गए, ह्यूमंस बन गए। लाखों साल लगते हैं जीन्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट होने में या डिलीट होने में। तो वी कैन नॉट, हमारे पास आज यदि इंस्ट्रूमेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कहीं पर भी किसी भी जीन को उठाया और वहाँ डाला। इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ नेचर एज पर वन ग्रुप। एक ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये ठीक नहीं है। तो जो अपोज करते हैं वो इस तरह की दलील देते हैं कि वास्तव में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के जीन को डालना प्रकृति के खिलाफ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने बहुत एप्लीकेशंस पढ़ी है, मैंने आपको कुछ अनएथिकल इश्यूज बताए कि लोग क्यों करते हैं, उसको अपोज क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है कि क्या ट्रांसजेनिक प्लांट्स सही हैं या नहीं है। जो लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स को फेवर करते हैं वो कहते हैं कि हम इसकी टेस्टिंग भी करते हैं, हम इसको अप्रूवल लेते हैं, लंबे समय तक फील्ड ट्रायल्स भी करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन आप एक मुझे बात बताएं, उस ग्रुप जो अपोज ग्रुप है वो इसका ये जवाब देता है कि क्या 20 साल 30 साल काफ़ी है टेस्टिंग करने के एक जीन्स को। तो बहुत दोनों ग्रुप्स अपने अपनी बातों में एक बहुत ही अच्छी तरीके से आर्ग्यूमेंट रखते हैं। आपको सोचना है, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपको सोचना है, क्योंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं, अपने व्यूज़ खुद आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि क्या ट्रांसजेनिक प्लांट सही हैं या नहीं है। आर दे बून और बेन, वो बून है या बेन है, अभिशाप है या वरदान है, क्या है? आप लोग मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं। अपनी थिंकिंग को डेवलप करें, खुद की थिंकिंग को डेवलप करें, और तब करें जब दोनों ही व्यूज़ को हमने समझ लिया है। अब आप बताइए कि क्या वो सही है या नहीं है। ओके, क्या वो एक बहुत ही शानदार अल्टरनेट है पॉवर्टी अगेंस्ट द पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? क्या ये एक बहुत बड़ा एक टूल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट करना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जीन्स का ट्रांसफर करना अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में क्या सही है? आप बताएंगे मुझे, इसमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कमेंट तब कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये आपके व्यूज़ होंगे, आपके व्यूज़ होंगे कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, इसी तरह का डिस्कशन हम करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव एक एक टॉपिक पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल के थ्रू ये है कि मैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड, एक सोच डेवलप कर पाऊँ हर उस स्टूडेंट्स के अंदर जो साइंस पढ़ रहा है, जो बॉटनी पढ़ रहा है और बायोटेक पढ़ रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, चैनल्स के सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ाएं, बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।